नमस्कार, जोहार, आदाब। संथाल परगना के क्लीन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल परगना से। खबर के लिए सबसे पहले दुमका की ओर रुख करते हैं। सरकार व प्रशासन के खिलाफ मेडिकल छात्रों में गुस्सा का दर्शन। प्रयोगशाला जैसी अहम सुविधा नहीं मिलने से नाराज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के 95 छात्र छात्राओं को बुधवार को दिग्घी स्थित कॉलेज परिसर में धरना दिया। जिला प्रशासन व सरकार पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। ये सभी विद्यार्थी पिछले साल सितंबर से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन केवल आश्वासन देकर काम चला रहा है, अभी तक प्रयोग की सुविधा नहीं मिली है। बर्ड फ्लू को लेकर झारखंड में सतर्कता बरता जा रहा है। बर्ड फ्लू पर पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाली सीमा पर भी निगाह रखी जाएगी। फिलहाल अंतर्राज्य सीमा सील नहीं की जाएगी, यह कथन है कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख का। दुमका में बुधवार को पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी उपायुक्त को आगाह किया गया है। पशुपालन महकमे को सदैव सजग और सतर्कता रहना होगा। विदा हो रही विपदा, अब तो आप आ जाओ शिष्य। स्कूली शिक्षा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। कोरोना के कारण स्कूल 9 माह से अधिक समय तक बंद थे। सरकार के आदेश के बाद आवासीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के विद्यालय स्कूल लौटने लगे हैं। हालांकि अभी छात्रों की संख्या कम है, लेकिन उम्मीद है कि 2 दिनों में इसकी संख्या में वृद्धि दर्ज होगी। जैसे छात्राओं को स्कूल तक लाने के लिए स्कूल प्रबंधन घर घर मुहिम चलाया जा रहा है। अगर अभिभावक छात्राओं को स्कूल तक पहुंचाने में हिचक रहे होंगे तो उनके घर जाकर न सिर्फ उन्हें समझाया जाएगा, यह भी आश्वस्त किया जाएगा कि स्कूल में गाइडलाइन का पालन करके ही अध्ययन का काम किया जाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार निरंकुश है, बढ़ रही वारदातें। राज्य में बढ़ते अपराध, दुष्कर्म और हर विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। जिला अध्यक्ष निवास मंडल ने कहा कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, इसलिए वारदातें बढ़ रही है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्याओं में तेजी से इजाफा हुआ है। खबर गोड्डा से, 3 नाबालिगों ने वेंटिलेटर तोड़कर चुराई मोबाइल। गोड्डा मोफसिल थाना क्षेत्र के मल्हार गांव में स्थित मोबाइल दुकान से बीते 24 सितंबर को वेंटिलेटर तोड़कर कीमती मोबाइल सहित नकदी की चोरी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया। पुलिस ने कांड में शामिल 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। बुधवार को SDPO आनंद मोहन सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार रामचंद्र पंडित ने मुफसिल थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस दल लगातार मामले की पड़ताल कर रही थी। धामुमो का आरोप, हेमंत की लोकप्रियता से घबराई भाजपा। रांची के हरमू बाईपास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को झामुमो की ओर से यहां जिला मुख्यालय के कारगिल चौक में भाजपा का पुतला दहन किया गया। झामुमो केंद्र समिति के निर्देशानुसार उक्त पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला सचिव वासुदेव सोरेन ने की। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र समिति सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश मंडल ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्य को भूलकर गलत आचरण कर रही है। डीसी ने कहा कि बुआरीजोड़ और सुंदर पहाड़ी को बनाए कालाजार मुक्त। स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में बुआरीजोड़ प्रखंड मुख्यालय में हुई। प्रशासन से कोरोना काल के बाद पहली बार बुआरीजोड़ में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसका मकसद धरातल की वास्तविकता और चुनौतियों से अवगत होना बताया गया। इस दौरान कालाजार, एनीमिया मुक्त भारत, पल्स पोलियो अभियान, कोविड वैक्सीनेशन, कुपोषित बच्चों को मॉनिटरिंग आदि से संबंधित स्वास्थ्य विभाग की कार्ययोजना पर गहन समीक्षा की गई। पर देवघर से, देवघर एम्स प्रबंधन ने पेश की पर्यावरण संरक्षण की मिसाल। कैंपस निर्माण करते वक्त एक भी पेड़ को नहीं काटा, जाने कैसे किया काम।
देवघर एम्स प्रबंधन ने पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है। यहां देवीपुर में करीब 300 एकड़ में प्रस्तावित एम्स कैंपस में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान यहां मौजूद 155 पेड़ में से किसी को खरोंच तक नहीं आई है। इसमें कई फलदार पेड़ भी है। इन पेड़ों को बचाने के लिए प्रबंधन ने बिल्डिंगों की जगह बदल दी और रास्तों का डायवर्ट कर दिया। घटना की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है पुलिस प्रशासन। तीन युवकों की मौत, कुत्ती सुलझाने में जुटी पुलिस घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव, नगर थाना प्रभारी दयानंद आजाद व जसीडी थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। एसडीपीओ ने घटना के बारे में बारीक से छानबीन की। पूरे घटनाक्रम को फिर से समझने का प्रयास किया गया। सारठ में पीएम आवास के भुगतान में हेराफेरी। खबर देवघर के सारठ से है। मंडलाडीह पंचायत के टूटा सीमा और माथाटाड़ा गांव में पीएम आवास योजना में हेराफेरी करने का मामले खुलासा हुआ है। पंचायत सचिव व कंप्यूटर ऑपरेटर ने अभिलेख में हेराफेरी कर वास्तविक लाभुक की जगह दूसरे लोगों को भुगतान कर दिया। टूटा सीमर गाँव के राजू प्रसाद यादव को प्रखंड मुख्यालय से वर्ष 2020 में एक पीएम आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन पीएम आवास की प्रथम किस्त की राशि 40,000 रुपए लाभुक के खाते में न भेजकर गांव के ही राजकुमार यादव के खाते में भेज दी गई है। पर जामताड़ा से दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं को विरोध में भाजपाइयों ने किया धरना। बुधवार को जामताड़ा गांधी चौक पर भाजपा ने धरना दिया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के राज्य में निरंतर हो रहे दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। जामताड़ा में मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य ने मन मोहा। प्रकृतिक से प्रेम का पर्व सोहराय पर पूरा जामताड़ा जिला झूम उठा। जगह जगह सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय की महिलाएं मांदर की थाप व सोहराय के गीतों पर जमकर नृत्य किया। वहीं कॉलेज की छात्राएं आकर्षक परिधान के साथ एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देख अन्य लोग अपने को रोक नहीं सके। जामताड़ा में 500 के बदले 40,000 रुपए देने वाली कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। झारखंड के जामताड़ा इलाका पूरे देश में ऑनलाइन ठगी के लिए बदनाम है। इस इलाके का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे देने के नाम पर लोगों की चूना लगाने वाली एक कंपनी की वजह से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जामताड़ा में चिटफंड मामलों से संबंधित कई केस दर्ज किए हैं। सीबीआई ने यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर की है। पर पाकुड़ से सूचना तंत्र को मजबूत करें पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी सूचना तंत्र को मजबूत करें थाना में समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत उसका निष्पादन भी करें। ये बातें बुधवार को पुलिस अधीक्षक मनीलाल मंडल ने अमलापाड़ा थाना का निरीक्षण के दौरान कही। एसपी ने मालखाना बैरक तथा थाना परिसर में जब्त कर रखी गई बाइकों का अवलोकन किया, साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, थाना के जरूरी पंजियों का अवलोकन कर उसका सही तरीके से संधारण का निर्देश दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने बुधवार को कहा कि दो दिन में करें बच्चों के बीच चावल का वितरण। खबर पाकुड़ के महेशपुर से है। जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने बुधवार को प्लस टू उच्च विद्यालय सहरग्राम व प्लस टू उच्च विद्यालय महेशपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कक्षा 10 की चल रही जांच परीक्षण का भी निरीक्षण किया। पाया गया कि दिसंबर माह का MTM का चावल बच्चों के बीच नहीं बांटा गया है। दो दिन में इसे बांटने का निर्देश DIC ने दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।